जैन समाज के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कस्बा शेरगढ़ में जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर जी की निकली शोभा यात्रा कस्बे में जगह जगह हुआ स्वागत। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में महावीर भगवान की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा व जैन समाज ने बनाया क्षमावाणी पर्व। शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मेन बाजार में पहुंची। वहां पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बांके लाल गर्ग के द्वारा जैन समाज का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का समापन खेलन वन इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्कूल परिवार के द्वारा जैन समाज का स्वागत कर जैन समाज को भोजन कराया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष जैन है। सर आज जो यात्रा निकाली गई है, जो आयोजन हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। आज हमारा जैनों का पर्युषण महापर्व के बाद क्षमावाणी महोत्सव मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में आज एक शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर शेरगढ़ से खेलन वन इंटर कॉलेज तक मुख्य बाजार शेरगढ़ से होते हुए हमने निकाली है। ये पर्व हमारे जो 10 दिन के व्रत होते हैं, जिनको हम दशलक्षण बोलते हैं, उन पर्वों के अच्छी तरह से समाप्त हो जाने के बाद खुशी के रूप में हम ये शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसको आज क्षमावाणी पर्व भी कहते हैं। और क्या क्या प्रोग्राम हुआ है? आज हमारी शोभा यात्रा में भगवान महावीर की एक जो प्रतिष्ठित मूर्ति है, हमारे मंदिर से चल करके डोला के रूप में मेन बाजार से बैंड बाजों के साथ अपने सब हंसते नाचते गाते हुए खेलन वन इंटर कॉलेज तक आए हैं, और इसके बाद अभी यहाँ से लौट करके हमारे जैन मंदिर में पूजन प्रख्याल आदि कार्यक्रम होंगे। उसके बाद ये पर्व सायंकाल में समाप्त हो जाएगा और अगले साल फिर जो है दशलक्षण पर्व आएंगे, फिर दोबारा से मनाया जाएगा। सर ये आज यहाँ स्कूल प्रांगण में आयोजन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ये जैन धर्म का क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा है, और पूरे वर्ष भर जो भी तन से मन से या कोई भी अपराध बन जाता है, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और स्वयं भी दूसरों के प्रति क्षमा दान देते हैं। सर ये किसकी तरफ से है यहाँ प्रोग्राम? ये जो है हमारे विद्यालय के सह प्रबंधक राजकुमार जैन जी ने आयोजित कराया है, और इसमें जैन समाज का आज यहाँ पर्व मनाया गया है और विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत किया है। कौन से विद्यालय में हो रहा है? खेलन वन इंटर